हम सिर्फ सत्ता सत्ता चिल्लाना नहीं सीखे, हम राष्ट्रहित की बात करना भी जानते हैं। देश अब राजनीति की चक्की में पीसना नहीं चाहता। समाज और सरकार के तकरार से निकलकर करेंगे हिंद की बात। जय हिंद। ऐसी क्या है लच्चारी जो बच्चों से छीने उन्हीं की आजादी। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद भारत के खास कार्यक्रम जय हिंद में। मैं हूं आपके साथ अंजय चावला। आपको बता दें कि बच्चे किसी भी देश के विकास का नींव होते हैं, तो हमें बाल मजदूरी जैसे अभिशाप को रोकना होगा। आपको बता दें कि हमारे देश में आज भी कई ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल ना जाने को मजबूर हैं, जो आर्थिक तंगी के वजह से बाल मजदूरी जैसे अभिशाप करने को मजबूर हैं। जी हाँ, बाल मजदूरी भले ही अभिशाप है, लेकिन आपको बता दें कि घर की आर्थिक तंगी के वजह से कई ऐसे बच्चे हैं जो आज भी बाल मजदूरी के शिकार हैं। आपको बता दें कि बाल मजदूरी को रोकना अति आवश्यक है। अगर हम एक साक्षर और शिक्षित भविष्य चाहते हैं अपने देश का, तो इसमें आवश्यक कदम उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि देश का विकास तभी संभव है जब देश के भविष्य शिक्षित हो और सुरक्षित हो, तभी हमें एक शिक्षित भारत का सपना साकार होगा। बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में स्वीकार किया गया है कि इसे दुनिया के अधिकांश देशों में मान्यता दी है। जहां तक भारत का सवाल है, तो भारत में भी 18 साल की उम्र के बाद ही कोई व्यक्ति मतदान कर सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है या किसी अन्य कानूनी समझौते में शामिल हो सकता है। आइए आपको बताते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिनियम के बारे में। इस संधि के जरिए पहली बार सरकारों ने माना कि बच्चों के पास भी वयस्कों की तरह ही मानव अधिकार है। इसके 94 अनुच्छेद हैं। इसमें अनेक प्रकार के प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं: जीवन का अधिकार, राष्ट्रीयता और नाम पाने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, विवेक और धर्म का अधिकार, घर या परिवार में गैर कानूनी और निरंकुश हस्तक्षेप में सुरक्षा पाने का अधिकार, तथा उच्चतम स्वास्थ्य स्तर पर उपभोग करने का अधिकार। इसके अंतर्गत सदस्य देशों के बच्चों को सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक यातनाओं तथा आर्थिक शोषण और मादक द्रव्यों को अवैध प्रयोग से रक्षा करने के लिए सभी उपयुक्त कदम उठाने पड़ते हैं। सदस्य देशों से सशस्त्र विद्रोहों में बच्चों से संबंधित सभी अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानूनों का आदर करने की भी अपेक्षा की जाती है। शरणार्थी और दिव्यांग बच्चों के संबंध में विशिष्ट प्रावधानों की भी व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि इसके अंतर्गत 10 स्वतंत्र सदस्यों वाली एक बाल अधिकार समिति के गठन का भी प्रावधान है। यह समिति इसके अंतर्गत निर्दिष्ट बाल अधिकारों को प्रभावशाली बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों और उन अधिकारों के उपयोग करने की दिशा में हुई प्रगति के संबंध में तथा सदस्य देशों द्वारा जारी की गई रिपोर्टों की समीक्षा करने के लिए अधिकृत है। समिति पर यह समीक्षा करने की जिम्मेदारी है कि सरकारें संधि में तय मानकों को किस तरह पालन कर रही है। इस प्रक्रिया के तहत संधि स्वीकृति मिलने के 2 साल के भीतर उसके बाद हर 5 साल पर प्रत्येक सदस्य देश तक रिपोर्ट साझा करता है, जिसके बाद चिन्हित देशों को बेहतरी के लिए अनुशंसाओं के बारे में बताया जाता है। अनुच्छेद 21 में 6 से 14 साल की आयु वाले सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा देना। अनुच्छेद 39 में आर्थिक जरूरतों की वजह से जबरन ऐसे कामों में भेजना जो बच्चों की आयु या क्षमता के उपयुक्त नहीं है। आपको बता दें कि वही अनुच्छेद 39 में ही बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय माहौल में स्वस्थ विकास के अवसर पर सुविधाएं मुहैया कराना और शोषण से बचाना, ये सारे अधिकार भारतीय संविधान में सभी बच्चों के लिए कुछ खास तरीके से सुनिश्चित किए गए हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान में बच्चों को वयस्क पुरुष और महिला के बराबर समान अधिकार भी प्राप्त है। अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव के विरुद्ध, अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 46 के तहत जबरन बंधुआ मजदूरी और सामाजिक अन्याय के सभी प्रकार के शोषण से कमजोर तबकों के बचाव का अधिकार आदि शामिल हैं। वहीं बात करें भारत की, तो भारत में बाल अधिकार अब एक चिंता का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि नीति आयोग के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 पर 34 के करीब है, जबकि 5 साल के कम उम्र के बच्चों में यह आंकड़ा देखा गया है।
यह प्रति हजार पर 39 है। इनमें से अधिकांश बच्चों में मृत्यु डायरिया और न्यूमोनिया जैसे बीमारियों के चलते होती है। 2016 में केवल डायरिया और न्यूमोनिया से करीब 3,00,000 बच्चों की मौत हो गई थी। ये वे बीमारियां हैं जिनका इलाज आराम से हो सकता है। आपको बता दें कि भारत में हर साल अकेले कुपोषण से ही 10,00,000 से ज्यादा बच्चों की मौत हो जाती है। बिहार, मेघालय और मध्य प्रदेश के उन भारतीय राज्यों में शुमार है जहां हर 10 में से 4 बच्चे कुपोषित हैं। देश में 6 साल तक 2.3 करोड़ बच्चे कुपोषण और कम वजन के शिकार हैं। शिक्षा की बात करें तो लगभग 10 करोड़ बच्चों को स्कूल नसीब नहीं है। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यानी कि डाइस के एक रिपोर्ट में बताया गया कि हर 100 बच्चों में से महज 32 बच्चे ही स्कूली शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। इनमें से करीब 1 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो घर की खराब आर्थिक हालात के चलते पढ़ाई के साथ काम करने को भी मजबूर है। विश्व बैंक के मानकों के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10 से 14 करोड़ के बीच बाल मजदूर है। बाल अधिकारों के हनन के सर्वाधिक मामले ही भारत में होते हैं। इसके साथ ही स्कूली बच्चों में आत्महत्या की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। एकल परिवारों में बच्चे साइबर बुलिंग का भी शिकार हो रहे हैं। बच्चों के बारे में उचित एवं विश्वसनीय आंकड़ों का भी अभाव है। भारत में बच्चे आबादी का लगभग 40% है। बच्चे अपनी सामाजिक, आर्थिक, भू राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से असहाय है। बाल श्रम, बच्चों से दुर्व्यवहार और असुरक्षित प्रवासन की चिंताएं, पेशेवर यौन शोषण के लिए गैर कानूनी खरीद फरोख्त एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। घरेलू कार्य, मानव अंगों का कारोबार और पोर्नोग्राफी की समस्या भी बनी हुई है। बाल विकास के लिए कई योजनाएं भी बनी हुई है, लेकिन क्या बाल विकास की योजनाएं जिस तरीके से बनी उस तरीके से लागू भी हो पा रही है? वही बात करें बाल संरक्षण कानून की तो बाल संरक्षण कानून के अंतर्गत बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 1 नवंबर 2007 से लागू है। इस अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह के आयोजन पर रोक लगाना है। वहीं बात करें बाल शिक्षा का अधिकार का तो 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 क को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। वहीं बात करते हैं अब पॉक्सो की। जी हां, पॉक्सो अधिनियम 2012। क्या आप जानते हैं ये पॉक्सो क्या है? पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत यौन अपराधों के बच्चों के संरक्षण के लिए बनाया गया यह अधिनियम है। यह कानून बच्चों को यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करती है। इस कानून के तहत अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा तय की गई है। वही बात करें देश भर में लागू होने वाले इस कानून के तहत सभी अपराधों की सुनवाई एक विशेष न्यायालय में कैमरे के सामने बच्चे के माता पिता की मौजूदगी में होती है। इस कानून में चाइल्ड फोनोग्राफी की परिभाषा तय की गई है। इससे जुड़ी सामग्री रखने पर 5,000 से 10,000 रुपए तक की जुर्माना और ऐसी सामग्री का व्यावसायिक इस्तेमाल करने पर जेल की सख्त सजा का प्रावधान है। इस कानून के तहत बच्चों का यौन उत्पीड़न करने वाले दोषियों को उम्र कैद के साथ मौत की सजा का प्रावधान है। कानून में बच्चों का यौन उत्पीड़न करने के उद्देश्य से उन्हें दवा या रसायन देकर जल्दी युवा करने को गैर जमानती अपराध माना गया है। इसमें 5 साल तक की कैद का प्रावधान भी। वही बात करें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का तो बच्चों के लिए बने विभिन्न कानून और अधिकारों को लागू करना चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 5 मार्च 2007 को हुई थी। इसकी स्थापना राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत की गई है। आपको बता दें कि आगे की राह भी इतनी आसान नहीं है। बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो बालकों के व्यक्तित्व, उनके मेधा एवं समस्त शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के उच्चतम स्तर पर विकास की ओर उन्मुख हो। शिक्षा में लैंगिक समानता, सहनशीलता आदि का समावेश होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को उनके अधिकारों का आभास कराती हो। शिक्षक बच्चों का रोल मॉडल होता है, अतः बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि शिक्षक इन अधिकारों और बच्चों की समस्याओं के प्रति जागरूक हो। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षकों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए। बच्चों और पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं की निगरानी और उनका मूल्यांकन समय समय पर किया जाना चाहिए। बाल संरक्षण कानून का कड़ाई से पालन होना चाहिए। कानून एवं योजनाओं की सफलता के लिए आवश्यक है कि उनके अधिकारों और समस्याओं के प्रति सामाजिक जागरूकता को बढ़ाया जाए।
बच्चे किसी भी देश में विकास की नींव होते हैं, यानी अगर हमें अपना भविष्य संवारना है तो बच्चों को तंदुरुस्त और साक्षर बनाना होगा। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा बच्चा दिखे तो आप भी उसे बाल मजदूरी से बचाइए और बचपन संवारिए। अब तक के हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।